हमारे देश में एक सबसे बड़ी अच्छी कम्युनिटी है। कहते हैं ना कि हमारे देश में इतने दोगले हैं, इन सबको इकट्ठा किया जाए तो एक दोगले स्थान बन जाए। एक छोटा सा मैसेज है इनके लिए। जितना मैं समझ पाया हूँ जानकारों के द्वारा, भारत के संविधान में जो आर्टिकल 51 अल्फा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका आज के डेट में कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। आर्टिकल 51 अल्फा सेज एंड गिव्स अस द फंडामेंटल ड्यूटीज टूवर्ड दिस कंट्री विच इज कॉल्ड द मदरलैंड भारत, है ना। भारत में एक ही चीज़ को बड़ा प्रैक्टिस किया जाता है, आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। शराबी वाली बात करेंगे, लेकिन घर कैसे पहुंच जाते हैं विद रिस्पेक्ट, जिन्हें हम भड़वा और गद्दार कहते हैं। ऐसे ही एकता कपूर है, जो डेली सोप बनाती हैं, ये एपिसोड लेडीज बहुत ही शान से देखती हैं। नहीं, एक महिला वाले गुण इनमें बिल्कुल भी नहीं है, महिला वाला इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने एक वेब सीरीज़ बनाई है, इतनी घटिया वेब सीरीज़ है वो, जिसमें एक आर्मी ऑफिसर की यूनिफॉर्म को पाड़ा गया है, सेक्सुअल चीज़ें ऐसी दिखाई गई हैं उसमें, शोल्डर पे शोक स्तंभ है, उसका भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है इन्हें। इससे पहले भी इन्होंने एक वुमेन ऑफिसर के ऊपर एक वेब सीरीज़ बनाई थी, वेब सीरीज़ में दिखाया गया था कि वो ड्रिंक करके अभद्र शब्दों का उपयोग कर रही हैं। नई वेब सीरीज़ में उसमें बताया गया कि आर्मी ऑफिसर या आर्मी जवान जब घर से ड्यूटी के लिए निकलता है, तो पीछे से लेडीज़ जो उसकी वाइफ है वो अपने बॉयफ्रेंड को बताती है, उसके साथ अश्लील हरकत करती है। मतलब यूनिफॉर्म कम से कम फौजी यूनिफॉर्म जो है, देश की रक्षा कर रहे हैं उनकी यूनिफॉर्म पे छोड़कर, समझ नहीं आता है कि एकता कपूर जैसे घटिया लोग हमारे देश में कर क्या रहे हैं। और ऐसे ही कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो इनकी सीरीज़ देखते हैं, इनकी शोज़ वगैरह देखते हैं। इनके माँ बाप ने शायद इन्हें सिखाया नहीं है, या इनके घर में यही सब होता है। दोस्त ऐसा है, सम्राट अशोक ने कहा, चाणक्य ने कहा, जितने भी बड़े बड़े योद्धा हमारे देश में हुए हैं, सब ने एक बात कही है कि जिस राष्ट्र में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और देश के सिपाहियों का सम्मान नहीं होता, वह राष्ट्र पतन की ओर जाता है। और एक बात सुन लीजिए आप लोग ध्यान से जो वीडियो देख रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम एक दिन फिर गुलाम होने वाले हैं, फिर बिकने वाले हैं। तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ। कुछ नोटों के लिए मर गए, कुछ वोटों के लिए मर गए, कुछ नोटों के लिए मर गए, कुछ वोटों के लिए मर गए। ऊपर बैठे होंगे वो क्रांतिकारी और शहीद इस वतन के, वो भी कहते होंगे हम किन के लिए मर गए। खालिस्तान है, भर दीजिएगा, जिन खालिस्तान के लिए मर गए, जो भी सबसे गंदी गाली आती है वो दे दीजिए। और एकता कपूर जैसे लोगों के लिए एक मैसेज है कि ये फौज है तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, जो तुम कुछ भी इनके ऊपर दिखाओ या बोलो, इसलिए अपनी औकात में रहो। और ऐसे ही वेब सीरीज जो बनती हैं, यही देख के जो है मैक्सिमम, जो मुझे मेरे हिसाब से जो रेप्स वगैरह होते हैं, यही सेक्सुअल मूवीज देख के ही होते हैं। जो इंसान सेना का सम्मान नहीं कर सकता, एक महिला का सम्मान नहीं कर सकता, एक महिला होके वो ऐसी वेब सीरीज बना रही है, और नेशनल एम्बलम उसका सम्मान नहीं है, कुछ तो शर्म करो यार, कम से कम देश को तो छोड़ो, बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने देश को। अभी क्या कहूँ, इनके लिए कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। अगर ये महिला नहीं होती तो मेरी भाषा कुछ और होती। देखते हैं क्या होता है। FIR वगैरह काफ़ी लॉन्च हो चुकी है इनके ऊपर। तो ऐसा है, अगर आप लोग भी अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके FIR कीजिए, एप्लीकेशन नहीं देना है, FIR कीजिए, पूरा भारत भ्रमण करवाओ इसको, ताकि इसे अपनी औकात पता चले। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।